भाई साहब पीछे करो। इस वक्त मौजूद है हम राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर। तस्वीरें देखिए किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष और उनकी पत्नी राजश्री यादव दिल्ली के लिए रवाना हो रही हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने नई शादी की और उसके बाद वो पटना पहुंचे, पटना में उनसे लगातार लोग मुलाकात कर रहे थे और मुलाकात के दौरान आज बात करें तो तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए तेजस्वी यादव अपने राबड़ी आवास से निकलकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि 2-3 दिनों में वापस आ जाएंगे। देखिए किस तरीके से तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं पटना एयरपोर्ट की है, जहां पर तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री के साथ किस तरीके से निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। आपको बता दें कि लंबे समय के बाद कल तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो समाज सुधार अभियान है उस पर को लेकर भी निशाना साधा था और अब जिस तरीके से 25 दिसंबर कह ले या 1 जनवरी, तो इसी को लेकर तेजस्वी यादव अपनी पत्नी जो राजश्री यादव है उनके साथ दिल्ली रवाना हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट से, जहां से तेजस्वी यादव रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि लंबे समय के बाद जो तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना नई शादी होने के बाद पहली बार वो पटना पहुंचे और लंबे समय तक पटना में भी रहने के बाद उसके बाद आज दिल्ली रवाना हुए। सवाल भी किए गए कि आखिरकार पटना से दिल्ली जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि 2-3 दिनों में वापस आ जाएंगे, वो भी बयान हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले तस्वीरें देखिए किस तरीके से राजश्री यादव और तेजस्वी यादव दोनों जो हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर निशाना भी साधा था, जिस तरीके से बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान को लेकर निकले हैं और उसको लेकर उन्होंने कहा कि बिहार को समाज सुधारने की ज़रूरत नहीं है बल्कि व्यवस्था सुधारने की ज़रूरत है, इस तरह की बातें तेजस्वी यादव ने कही थी। और बिहार की सियासत में जो लगातार सवाल खड़े होते थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जो सवाल खड़े किए, इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो तेजस्वी यादव ने कल दिए थे और उसके बाद आज वो दिल्ली के लिए पटना से रवाना हो रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने जाने समय क्या कुछ मीडिया से बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनिए कि किस तरीके से उन्होंने कहा है कि 2-3 दिनों में हम वापस आ जाएंगे। और बिहार में जिस तरीके से बेरोजगार यात्रा है तो बेरोजगार यात्रा को लेकर भी तेजस्वी यादव ने कहा है कि खरमास के बाद, यानी कि जब खरमास खत्म होगा उसके बाद बेरोजगार यात्रा पर वो निकलेंगे। हालांकि उन्होंने जाने से पहले कह दिया है कि 2-3 दिनों में हम लौट आएंगे। सुनवाते हैं आपको तेजस्वी यादव का पूरा बयान। देखिए तेजस्वी यादव को आप देख सकते हैं, उनकी धर्मपत्नी राजश्री यादव नहीं, हम लोग फिर जो है 2-3 दिन बाद जो है वो आएंगे, हम लोग 2-4 दिन में वापस आना। भाई साहब पीछे करो, मोबाइल पीछे करो, खाली करो, पीछे करो।